प्रयागराज कांड के बाद यूपी में बरेली पुलिस ऑपरेशन माफिया चला रही है तो जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद और बरेली सेंट्रल जेल में निरुद्ध उसके भाई अशरफ ने बरेली के सपा नेता लल्ला गद्दी और बरेली में जमीनों का धंधा करने वाले एक शख्स के साथ मिलकर काफी पैसा लगा रखा था। प्रयागराज में माफिया अतीक गैंग पुलिस के निशाने पर था तो शांत शहर बरेली में गोपनीय तरीके से नई जमीन तैयार की गई थी। बरेली पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिशें देकर माफिया गैंग से जुड़े बताए जा रहे चार और लोगों को उठा लिया है। हालांकि फरार सपा नेता लल्ला गद्दी अभी गिरफ्तार नहीं हो सका है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लल्ला गद्दी के पकड़ में आने के बाद बरेली से जुड़े कई और चौंका देने वाले राज उजागर होने की संभावना है। बरेली के अलावा पीलीभीत, बदायूं और संभल में भी कार्रवाई जारी होने की खबर है। माफिया अतीक अहमद गैंग से करीबियों को लेकर बरेली के बारादरी, सुभाष नगर और इज्जत नगर इलाके में कई लोग पुलिस के निशाने पर आ गए हैं। इनमें ज्यादातर लोग सपा नेता लल्ला गद्दी के संपर्क वाले ही बताए जाते हैं। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही लल्ला गद्दी के करीबी कई लोग भूमिगत हो गए हैं। बरेली में समाजवादी पार्टी की राजनीति में सक्रिय लल्ला गद्दी किसी भी तरह मेयर बनने का ख्वाब देखता रहा है। 2017 में वह मौलाना तौकीर रजा खां की पार्टी IMC से मेयर का चुनाव लड़ा था, मगर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। अब वह सपा से टिकट मांग रहा है। माफिया अतीक अशरफ की बरेली में जड़ें जमाने वाला लल्ला गद्दी ही बताया जाता है। सूत्रों का कहना है कि लल्ला गद्दी ने पीलीभीत बाईपास पर प्रॉपर्टी का धंधा करने वाले एक नामी शख्स से भी माफिया गैंग का कनेक्शन फिट करा दिया था, जिसके बाद जेल में बंद अशरफ ने बरेली में लल्ला गद्दी और जमीनों के उस धंधेबाज के साथ मिलकर खूब पैसा लगाया था। माफिया अतीक अहमद की अलीगढ़ में भी रिश्तेदारियां बताई जाती हैं। प्रयागराज कांड के बाद पुलिस और STF माफिया अतीक के अलीगढ़ कनेक्शन भी खंगाल रही हैं। प्रयागराज कांड में पुलिस को माफिया अतीक के बेटे असद की तलाश है, जिस पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया जा चुका है। अतीक की पत्नी सायता की गिरफ्तारी पर भी 25,000 के इनाम की घोषणा पुलिस के स्तर से की गई है। असद और सायता के अलावा अशरफ के साले सद्दाम और बरेली के सपा नेता लल्ला गद्दी की भी सरगर्मी से तलाश जारी है। सद्दाम और लल्ला गद्दी ने ही बरेली जेल में बंद अशरफ से उसके गुर्गों की लगातार मुलाकातें कराई थी। बरेली पुलिस अभी तक माफिया अतीक गैंग के लिए काम करने वाले सेंट्रल जेल 2 के बंदी रचक शिवहरी और कैंटीन सप्लायर नन्ने और दयाराम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। माफिया गैंग से रिश्तों को लेकर बरेली और आसपास के जिलों में 50 से अधिक लोग SIT के रडार पर हैं, जिनके बारे में गोपनीय तरीके से जांच जारी है।